हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम वाइस सिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त मिशन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। वाइस सिटी एक बहुत ही पुराना गेम है, 2002 का, लेकिन बहुत ही फेवरेट गेम है। आप सभी को पता ही होगा, बहुत से लोगों ने आप में से खेला होगा। तो आज हम रब आउट नाम के इस मिशन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इस मिशन में हमें अपने एक फ्रेंड लाइस को बचा कर लाना है वहाँ से, और उसके लिए एक फास्टेस्ट कार यहाँ से ले लेते हैं। और क्योंकि वो लोकेशन भी बहुत दूर है, उस लोकेशन पे पहुँचना ही जल्दी है लिमिटेड टाइम में, क्योंकि उसकी हेल्थ कम होती जाती है। तो हम पहले इस कार को ले लेते हैं और चलते हैं जहाँ से हमें मिशन मिलेगा। एंड तक बने रहिए, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 30 से ज़्यादा बंदे को हमें मारना है और उसके बाद कारों से लड़ाई भी करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हम उसके फ्रेंड से मिलने, उसको जिसने काम दिया है उससे मिलने के लिए जाते हैं, और वो हमें बताता है कि वो वहाँ पर फंस चुका है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और फटाक से जाएंगे। और गाइस, ये ब्लू कलर की पट्टी आपको दिख रही है, ये उसकी हेल्थ लाइन है, और उसकी हेल्थ कम होने लगी है। तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा और उसे बचाना होगा। ये वहाँ पे कुर्सी में बंधा पड़ा है, जिसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टॉर्चर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें गाड़ी भी अच्छी वाली चाहिए, जिसकी टर्निंग भी अच्छी हो और वो बिल्कुल आसानी से मूव हो जाए। तो ऐसी गाड़ी लेने के लिए हमें, यही एक गाड़ी है वाइस सिटी में जो बहुत ही अच्छे से चलती है, स्मूथली, जो कि अभी बहुत ठोकरें खा तो रही है लेकिन अभी बराबर से चलेगी। और हमें जल्दी जाना होगा, बहुत फास्ट जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उड़ के पहुँच जाऊँ, क्योंकि इसकी हेल्थ जितनी जितनी कम होती जाती है उतने उतने मिशन फेल होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। और हम न्यू वाइस सिटी में अभी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। यहाँ से बस हमें एक राइट टर्न लेना होगा। इसी के अंदर एक जंकी यार्ड है, जंकी यार्ड में से बांध कर रखा गया है। तो चलते हैं, ये बीच बीच में गाड़ियाँ भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जानबूझ कर हमें आती है, इधर से वहाँ से टर्न करती है, ताकि हमको ठोक सके और हमारा टाइम बर्बाद कर सके। तो ऐसी गाड़ियों से बचते हुए बहुत आज मेरी आप ड्राइविंग स्किल भी देख ही रहे होंगे कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और मेरा ये नया स्टाइल देखिए, मैंने उड़ा दिया सीधे से, लेकिन मेरी गाड़ी में भी आग लग चुकी है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और अभी मुझे इन लोगों को गिन गिन कर मारना होगा, फटाफट से इनको ख़त्म करना होगा, वरना ये मुझे ख़त्म करने देंगे। लेकिन गाइस, मैं पैसों का भी बहुत लालची हूँ, तो मैं यहाँ से पैसे कलेक्ट करना कभी भी नहीं भूलता हूँ, चाहे कितनी भी गोलियाँ बारूद चल रही हो, मैं पैसे ज़रूर लेता हूँ। और ख़ासतौर से तो मैं पैसे के लिए ही ये मिशन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस मिशन के बाद 50,000 रुपया मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं सॉल्व होने के बाद कितना रुपया मिलता है। और यहाँ पे ये बहुत सारे गनिंग वनिंग शुरू है, बंदूकें लेकर आ रहे हैं मारने के लिए, तो आगे बढ़ते जाएंगे और इन्हें कत्ल करते जाएंगे। और ये जंक यार्ड में जहाँ हम जा रहे हैं, वहीं पर ही हमारा फ्रेंड छुपा हुआ है, छुपा नहीं है बल्कि बांधा हुआ है, उसको बांध कर रखा हुआ है। और गोलियां भी चारों तरफ से बरस ही रही है, कहां कहां से छुप छुप कर मार रही है। बुलडोज़र के ऊपर एक खड़ा हुआ है तानाशाह यहां पे, और ये दो गार्ड भी है और अंदर भी एक है, इसको भी ख़त्म कर दिया। ये यहां पे हमारा फ्रेंड है। गाइस, अभी भी बाहर एक बंदा बचा हुआ है जो आकर मुझे बाद में मारेगा, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बंदा कत्ल करने का रह चुका है। तो देखते हैं, पहले हम इसको खोल देते हैं वरना यह मर जाएगा। अभी इन दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, उसके पास बंदूक है, लेकिन गाइस आपको पता है वो कुछ नहीं करेगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, उसको बचाना भी है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यहाँ से आगे निकल कर जाना है, क्योंकि यहाँ से वो गेट से बाहर निकलते ही चार गाड़ियाँ कार लेकर हमारे पीछे लग जाती है और हमें ठोकती है, और हम साथ में हमारी जान को भी खतरा है और इसकी भी जान को खतरा है। तो गाइस, हमने उस बंदे को भी मार दिया बाहर जो खड़ा हुआ था, अब हम इसे लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक
छोटा सा लॉजिक या ट्रिक कह लो आप, मैं वो यूज करूंगा। मैं इसको गाड़ी में अभी लेकर नहीं रहूंगा और मैं बस अभी इसको लेकर गेट के पास पहुंचता हूं। और आपको एक चीट कोड पता होगा जो वाइस सिटी में बहुत काम का है, जिसको हम प्रोफेशनल टूल्स कहते हैं, PROFESSIONALTOOLS। इस चीट की मदद से आप एक मिसाइल लॉन्चर और बहुत सारी अलग तरीके की गन्स ले सकते हो। इस वक्त हमें मिसाइल लॉन्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो कारें बहुत ही भयानक तरीके से हमारी तरफ बढ़ती है और उन्हें मारना, दूर से ही ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नज़दीक आने के बाद ये रुक कर उतर कर तो नहीं मारते बल्कि सीधे आग पर ही गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो इसलिए उस गाड़ियों को, उन कारों को यहाँ तक हमें आने नहीं देना है और दूर से ही उन्हें ख़त्म कर देना है। यहाँ पे एक गाड़ी छुपी हुई है और मुझे लग रहा है अभी भी एक कार छुपी हुई है वहाँ पे। हाँ, ये रेड कलर की कार गाइज आपको दिख रही है क्या? ये देखिए, ये मेरे पास ही आकर गिरी है बिल्कुल। अगर इसे नहीं मारता तो ये बिल्कुल मुझे ठोक ही देती है अभी। अब ये लोग सब ख़त्म हो चुके हैं, अब हम बिल्कुल पीसफुली इसको रॉक एंड रोल कार चीट डालकर एक कार हमारे लिए लेंगे और उस कार में इसको लेकर जाएंगे। सो गाइज, कार शायद हमारे पीछे है, पीछे आ चुकी है वैसे मुझे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अब हम इसको उठाएंगे और लेकर जाएंगे। तो गाइज, आपको कैसी लगी ये गनी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये पुलिस भी हमारे बीच बीच में पीछे लग जाती है। देखा जाए तो गाइज, ये गेम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल एक CIA एजेंट या FBI एजेंट या फिर कोई जासूस डिटेक्टिव होता है, जिसको पुलिस से भी और क्रिमिनल से भी, दोनों से ही बचकर अपना काम करना होता है। इसी तरह इस बंदे को भी पूरा प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। ये बंदा असल में ऐसे लोगों के लिए काम करता है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम करता है और उसी तरह के मिशन इसको सॉल्व करना होता है। इसी वजह से इसको ना पुलिस जानती है ना कोई और जानता है, पुलिस भी हमेशा इसके पीछे पड़ती रहती है। सो इसको बचाना भी हमारा ही काम है। वैसे तो इन सारे कामों के लिए इस गेम में बहुत सारे चीट्स वगैरह भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत टैलेंट की ज़रूरत है मिशंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हमारा मिशन सॉल्व हो चुका है, अब हमें से यहाँ पर अलाइज को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ। गुड बाय।